नमस्कार, मैं मेघा। शुभ रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। आज हम ऐसी बर्फ़ी बनाएंगे जो बिगड़ने का बिल्कुल भी चांस नहीं, और इतनी टेस्टी लगती है। और परफेक्ट मेजरमेंट के साथ हम लोग ये बर्फ़ी बनाएंगे, और ये बर्फ़ी इतनी टेस्टी लगती है कि इसे बना के आप हफ्ते भर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और इतनी टेस्टी और ज़बरदस्त ये बर्फ़ी है, मार्केट जैसी ही हलवाई स्टाइल ये बर्फ़ी बनती है। एकदम टेस्टी तो लगती है और बनाने में भी आसान है, और एकदम सॉफ्ट और टेस्टी ऐसी है बर्फ़ी। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग बनाने के लिए। तो बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गैस पे पैन चढ़ाया है, उसमें हम लोग लेंगे 1 कप बेसन। तो मेजरमेंट के लिए आप घर का कोई भी कप सेट कर सकते हैं। तो ये हुआ 1st कप, और इसी 1 कप से जो भी आप कप लेंगे उसी कप से हमें ये सब सामग्री लेनी है। तो अभी बेसन को हम लोग ने एकदम मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें इसे एकदम अच्छे से लगातार भुनना है। इसमें नहीं तो हम लोग अभी घी डालेंगे कुछ नहीं, बस सूखे ही बेसन को हमें ऐसे ही भुनना है, लगातार चलाते हुए भुनना है, क्योंकि बेसन जल्दी से अच्छे से चिपक जाता है और जल जाता है। इसके लिए हमें ऐसे भारी तले वाली कढ़ाई में हमें इसे भुनना है। देखिए बेसन का अभी कलर चेंज हो गया है, 3 से 4 मिनट हो गए मुझे बेसन भूनते हुए, दिख रहा होगा आपको कलर चेंज हो गया। तो इसी समय हम लोग इसमें डालेंगे 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट, यानी नारियल को जो भुरादा रहता है ना, उसे मार्केट में इजीली मिल जाता है, उसे ऐड करेंगे। और ये हुआ हमारा 2nd कप, ये है 7 बर्फी कप। तो हमें इसे एक ही कप से 7 माप लेने हैं, तो ये हम लोगों ने 2रा माप लिया है। अभी बेसन के साथ ही हमें रोस्ट डेसिकेटेड कोकोनट को भूनना है। कलर देखिए एकदम अच्छे से चेंज हो गया, अच्छे से भून गया है। कोकोनट डाल के हमें बस 2 ही मिनट भूनना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो अभी हम लोग इसमें 3rा कप ऐड करेंगे, वो है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर इजीली मार्केट में मिल जाता है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप ड्राई फ्रूट्स यानी काजू और बादाम का भी पाउडर करके डाल सकते हैं 1 कप। तो ये हमारा 3rा कप है। तो अभी मिल्क पाउडर भी डाल के हम लोगों को 1 से 2 मिनट ही भुनना है। गैस का फ्लेम याद ध्यान रखिए एकदम लो टू लो पे ही रखना है। और अभी देखिए बेसन, डेसिकेटेड कोकोनट और मिल्क पाउडर हमारी अच्छे से भून के रेडी हो गई है। तो अभी इसमें हम लोग डालेंगे 4th कप, यानी 1 कप हमें घी डालना है, या आप वनस्पति घी जो डालडा आता है वो भी डाल सकते हैं। तो अभी 4th कप हमारा इसमें घी हमारे बेसन में पड़ गया है। तो हमें अब ये बेसन को घी के साथ अच्छे से भूनना है। अभी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये एकदम सूखा सूखा मटेरियल है, पर थोड़ा जैसे ये घी आप रिलीज़ होने लगेगा तो ये मिश्रण अपने आप गीला हो जाएगा। अभी बस हमें लो टू फ्लेम पे अच्छी तरह से भूनना है। अभी देखिए मिश्रण हमारा थोड़ा सा गीला हो गया है, क्योंकि अभी घी रिलीज होने लगा है। तो इसी तरह से हमें लगातार चलाते हुए भूनना है। कलर भी देखिए अच्छे से चेंज हो गया है। अभी इसमें हम लोग एकदम लो फ्लेम पे चलाते चलाते हमें 5 मिनट हो गए हैं। इतनी टेस्टी और मेजरमेंट का बिल्कुल भी टेंशन नहीं, हमें इसमें चाशनी का शक्कर का चाशनी बनानी है, ना ही तो कुछ बिगड़ने का चांसेस है। एकदम इंस्टेंट और टेस्टी ऐसी ये हमारी बर्फ़ी बन के रेडी हो जाती है। तो अभी हम लोग इसमें ऐड करेंगे चीनी। तो चीनी यहाँ पे मैं 2 कप ले रही हूँ, यानी 5th और 6th हमारा ये मेजर कप हमारा हो गया है। अभी मैंने यहाँ पे 2 कप चीनी डाला है। अभी ये 6 कप हमारा मेजरमेंट हो गया है। अभी 1 कप हमारा बाकी है, इसीलिए इसे 7 कप बर्फी कहते हैं, क्योंकि इसमें मात्रा समान मात्रा में मटेरियल मिलता है, और खाली बस चीनी का ही मात्रा हमें बढ़ानी होती है, क्योंकि सब बेसन डेसिकेटेड कोकोनट, इसके लिए हमें चीनी जो है डबल मात्रा में लेनी पड़ती है, दुगना। अभी चीनी को पिघलने के लिए हमें इसमें डालना है 1 कप दूध, रूम टेम्परेचर वाला दूध मैंने डाला है। और अभी ये हमारा हो गया है 7वां कप हमारा, यानी हमारे बेसन बर्फी में जो 7 कप बर्फी में जो 7 मटेरियल गिरने वाले थे वो पूरे कंप्लीट हो गए हैं। अभी हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है मीडियम फ्लेम पे, और चीनी भी अच्छे से पिघल जाती है, और ये इतनी टेस्टी बर्फी बनती है, देखिए तुरंत गाढ़ी होने शुरू हो गई है। तो अभी हमें इसे कब तक पकाना है, तो इसे हमें पकाना है जब तक कि ये मटेरियल जो है ना मिठाई का
वो जब तक पैन नहीं छोड़ने लगे, एकदम गाढ़ा ऐसे खट्टा नहीं होने लगे, तब तक हमें एकदम लो फ्लेम पे भूनना है। और ये हमारा रेडी हुआ है कि नहीं उसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ कैसे चेक करना है। तो अभी मैं इसमें ना फ्लेवर के लिए डालूँगी इलायची पाउडर। इलायची को मैंने ना शक्कर डाल के अच्छी तरह से मिक्सर में बारीक कर लिया है। जो फ्रेश फ्लेवर आता है ना इलायची का, बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए इलायची पाउडर भी अच्छे से मिक्स हो गई है और मिश्रण भी हमारा एकदम बर्फी का एकदम गाढ़ा हो गया है। बस थोड़ी देर और पकाएंगे ना तो अच्छी तरह से ये मिश्रण गाढ़ा हो जाएगा, यानी हमारे जो बर्फी सेट करने की हमें एकदम कोई तकलीफ नहीं होगी, तुरंत हमारी बर्फी जो है ना सेट हो जाएगी। तो देखिए अभी देखिए पैन छोड़ने लगा है मिश्रण, अभी हमारा मिश्रण रेडी हुआ है। तो कैसे चेक करेंगे, इसमें से थोड़ा सा लेंगे और एक डिश पे निकाल लेंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ना इसे हाथों से चेक करेंगे। ऐसे देखिए एक साथ अच्छे से गोला होना चाहिए, यानी हमारे मिश्रण रेडी हो गया। तो मैं गैस बंद कर लेती हूँ और हल्का सा ठंडा होने देंगे। तो मिश्रण हमारा जब तक हल्का सा ठंडा हो रहा है, तो मैंने क्या किया है, एक ऐसा कोई भी डिब्बा आप ले सकते हैं या ट्रे या डिश में भी जमा सकते हैं, तो उसमें हम लोगों को बटर पेपर लगाना है। बटर पेपर से क्या होता है ये बर्फ़ी निकालने में आसानी होती है। अभी देखिए हमेशा बर्फ़ी का हमारा हल्का ठंडा हो गया है, तो हमें ये डब्बे में ट्रांसफ़र करना है। आपको देखने से ही मालूम पड़ रहा होगा कि कितनी ज़बरदस्त और टेस्टी ये हमारी बर्फ़ी बनी है, बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगी, एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ये मैंने बताई है आपको। और जो शुगर रेसिपी में जो परफेक्ट बनता है वही मैं आपको बताती हूँ। ऊपर से अच्छे से प्लेन करना है, एकदम इक्वल करना है। इसके लिए आप कोई ट्रे भी ले सकते हैं, एकदम अच्छे से सेट करना है, ऊपर से प्लेन करना है। तो देखिए बर्फी का मिश्रण जो अच्छे से सेट हो गया है। तो मैं अभी क्या कर रही हूँ, ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, जो ऑप्शनल है पर अच्छे लगते हैं और टेस्टी टेस्ट भी आता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर छोटे छोटे पीसेस में काजू को कट किया है, वो पूरा डाल दूँगी। आपको जो ड्राई फ्रूट्स अच्छे लगते हैं वो डाल सकते हैं, ना डाले तो भी चलेगा, वैसे ही बर्फी ये बहुत टेस्टी बनती है। और ऊपर से थोड़ा से हल्के से पिस्ते का काप डाल रही हूँ, इससे भी बहुत अच्छा लुक आता है और हमारी बर्फी जो है दिखने में एकदम सुंदर दिखती है। और हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि जो मिश्रण जब हमारा थोड़ा सा गर्म है उसमें ही ये ड्राई फ्रूट्स अच्छे से सेट हो जाए। अभी ये हमारी रेडी हो गई 7 कप बर्फी। तो इसे मैं ना सेट करने के लिए हम लोग आधे से 1 घंटे के लिए इसे ही रूम टेम्परेचर पर रखेंगे। 1 घंटा हो गया है, देखिए बर्फी हमारे अच्छे से सेट हो गई, तो हमें इसे बाहर निकालना है। ये टिश्यू पेपर डालने से एकदम आसानी से ये बर्फी निकल आती है, देखिए इस तरह से। तो अभी हमें इसे पीसेस में कट करना है और बर्फ़ी को अच्छे से जमने दीजिए ताकि वो पीसेस कट करने में हमें एकदम आसानी हो। और बटर पेपर डालने से निकालने में भी बहुत आसानी होती है, इसके लिए बटर पेपर ज़रूर डालिएगा। अभी इसे पीसेस में हमें कट करने हैं, तो आपको जो भी पीसेस जो साइज़ के पीसेस अच्छे लगते हैं वो आप कर सकते हैं। मेरी दिखाई हुई रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक्स कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही में बेल आइकन पे भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी जो नई रेसिपी की नोटिफिकेशन है वो तुरंत आप तक पहुँच सके। ये बर्फ़ी कट करते समय ही आपको समझ में आ रहा होगा कि बर्फ़ी कितनी सॉफ्ट बनी है, बिल्कुल भी चिपचिपी या कुछ नहीं, एकदम सॉफ्ट और टेस्टी ऐसी हमारी ये बर्फ़ी बनी है। पर मुझे तो बर्फ़ी के बड़े बड़े पीसेस ही अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने थोड़े बड़े साइज़ के पीसेस ही कट किए हैं। बहुत ही टेस्टी है और इंस्टेंट ऐसी ये हमारी 7 कप बर्फ़ी बन के रेडी हो जाती है। देखिए एकदम सॉफ्ट बनी है, बहुत ही टेस्टी लगती है। ये त्योहारों में ज़रूर बना के देखिए आप।